हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एंजल वन एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो तो चार्ट किस तरीके से आपको देखना है, सेटिंग्स क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले तो हम वॉच लिस्ट में जाएंगे। वॉच लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे दो स्टॉक मैंने ऐड करके रखे हैं, उसमें से हम एक के स्टॉक का चार्ट थोड़ा देखेंगे। तो चार्ट देखने के लिए स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करना है, और स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद ये चार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक चार्ट ओपन यहाँ पर हो जाएगा। इस चार्ट को बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा करने के लिए यहाँ पर एक सिम्बॉल दिखाया गया है, तो इसको हम क्लियर क्लिक करेंगे तो चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब चार्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे होती है प्राइस, एक्स एक्सिस पे होता है टाइम जोन। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे डेट रेंज दिखाई गई है। डेट रेंज के ऊपर आप सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्टली वन डे का चार्ट देखना है तो देख सकते हो, वन मंथ का चार्ट देखना है तो देख सकते हो, वन ईयर का चार्ट देखना है तो देख सकते हो, फाइव ईयर का देखना है तो एग्जैक्टली फाइव ईयर्स का पूरा चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कस्टम करना है तो आप डेट सिलेक्ट करके गो टू में जाके भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट करनी होती है। हाँ, ये देखिए आ गया, थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। डेट रेंज कस्टम रेंज सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल तो हम कैंसिल करेंगे। उसके बाद सबसे यहाँ पे ऊपर में आते हैं, ये जो सिंबल दिया गया है ये चांद का सिंबल है, इससे आप जो थीम है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये काला हो गया पूरा, इसको फिर से सिलेक्ट किया तो वाइट हो गया। तो आपके हिसाब से ये रखना होता है। उसके बाद ये 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर और डे, ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए। तो ये छोटा सा एरो अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे पूरे टाइम फ्रेम आपको दिखाई देंगे। ये स्टार मार्क मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये शॉर्टकट मेरे सामने डायरेक्टली ओपन हो जाए। तो जो भी टाइम फ्रेम मुझे चाहिए, मान लीजिएगा मुझे 2 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए शॉर्टकट में, तो इसको स्टार में क्लिक कर सकता हूँ मैं। इसके ऊपर अगर मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए आप यहाँ पे शॉर्टकट में आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट में सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो चार्ट उस तरीके से चेंज हो जाता है, जैसे 1 आवर का कर दिया हमने, जैसे डेली का कर दिया हमने, जैसे 5 मिनट का कर दिया हमने, तो ये डायरेक्टली शॉर्टकट से ईजी एक्सेस हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, और ये जो अगर सिंबल देख रहे हो आप, तो ये सिंबल है कैंडलस्टिक का। कैंडल का सिंबल मतलब चार्ट पैटर्न आप कौन सा रखना चाहते हो, आप बार चार्ट पैटर्न रखना चाहते हो, हॉलो कैंडल रखना चाहते हो, लाइन चार्ट देखना चाहते हो, हाइकेनिशी देखना चाहते हो, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसका भी शॉर्टकट आप बना सकते हो, जैसे ये कैंडलस्टिक का हो गया, लाइन चार्ट का हो गया, तो लाइन चार्ट का यहाँ पे हमें इस तरीके से करना है तो ये लाइन चार्ट का हो गया। तो ये देखिए आप यहाँ पे जो शॉर्टकट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, कैंडल और लाइन के शॉर्टकट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाजू में ये जो सिंबल है ये है इंडिकेटर्स का। तो जैसे ही FX के ऊपर आप क्लिक करते हो तो दुनिया भर के इंडिकेटर्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जो भी इंडिकेटर एनालिसिस आप करते हो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे EMA क्रॉस, मैंने EMA क्रॉस लगा दिया है, तो आप ये देख सकते हो सुपर ट्रेंड के, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ये EMA क्रॉस ओवर का हमारे यहाँ पे इंडिकेटर लग गया है। तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंडिकेटर लगा सकते हो। अब इसके सेटिंग्स आपको चेंज करनी है तो क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो भी इनपुट्स आप डालना चाहते हैं वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं आपके हिसाब से, और वो सेटिंग्स आपकी यहाँ पे लागू हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ 10 डेज़ करना चाहता हूँ तो इसको हटा के मैं ये 10 डेज़ कर देता हूँ, और ये 25 दिन करना चाहता हूँ तो 25 दिन कर देता हूँ, तो ओके कर दूंगा तो ये सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 25 आ गया यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपके हिसाब से आपको जो सेटिंग्स है वो चेंज करनी होती है। उसके बाद स्क्रोल करके जाते हैं ये वाले सिम्बॉल पर, ये सिम्बॉल होता है टेम्पलेट सेव करने का। अगर आपको ये इंडिकेटर का टेम्पलेट सेव करना है तो आप नाम दे के उसको सेव कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, आपके ऊपर है। उसके बाद ये क्लाउड का जो सिंबल है, अगर आपको व्यू सेव करना है यानी कि ये जो पूरा लेआउट चार्ट का सेव करना है तो उसको एक नाम देके आप इसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये सेटिंग्स का सिंबल है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सिंबल चेंज करने हैं, कैंडलस्टिक का कलर चेंज करना है, स्टेटस लाइन चेंज करनी है, OHCL वैल्यू चेंज करनी है, स्केल चेंज करने हैं, या फिर यहाँ पे आपको अपीयरेंस चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप सेटिंग से कर सकते हैं। और उसके बाजू में ये स्क्रीनशॉट वाला कैमरा का बटन है जिससे आप लिंक कॉपी कर सकते हो आपके दोस्त को भेजने के लिए जो भी एनालिसिस आपने किया है, या फिर उसकी इमेज कॉपी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये चार्ट जो है थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, छोटा करने के बाद आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ही चार्ट छोटा होता है यहाँ पे बाय और सेल का सिंबल दिखाई देता है, तो चार्ट एनालिसिस करते करते ही आप यहाँ पे स्टॉक को बाय कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं अगर बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय के सिंबल पे, बाय के स्क्रीन के ऊपर चला जाता है, तो यहीं से आप बाय और सेल कर सकते हो। थोड़ा सा पीछे आते हैं, फिर सेल का करना चाहते हो तो सेल के ऊपर भी आप यहाँ पे सारी चीज़ें
कर सकते हो। तो काफ़ी इजी एक्सेस और चार्ट देखने के लिए काफ़ी इजी तरीका है ये, और चार्ट के ऊपर ही बाइंग और सेलिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको ऑप्शन चेंज लेना है तो इसका भी बटन अवेलेबल है। अगर आप ऑप्शन चेंज सिलेक्ट करते हो यहाँ पे, तो चार्ट की जो भी स्टॉक की ऑप्शन चेंज है उसके ऊपर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, और फिर से एक बार चार्ट पे आना चाहते हो तो उसका भी बटन यहाँ पे अवेलेबल है। ऑर्डर्स में जाना चाहते हो तो ऑर्डर्स का भी बटन अवेलेबल है, लेकिन ऑर्डर्स के टैब के ऊपर आप चले जाओगे फिर से आपको पुरानी प्रोसेस करनी पड़ेगी, स्टॉक के ऊपर जाके चार्ट में आना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो ब्लू कलर का छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक टूल बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, फिबोनाची लगाना है, ब्रश यूज़ करना है, लिखना है कुछ, या फिर पैटर्न देखना है, तो ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ट्रेंड लाइन का हमने यूज़ किया, तो ट्रेंड लाइन अगर मुझे यूज़ करनी है तो ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं आप, एरो सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल चार्ट एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, उसकी मदद से आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर एक्सटेंशन यूज़ करना है तो ये सारे यहाँ पे टूल्स अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हो आप आपके एनालिसिस के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर पैटर्न आपको कुछ बनाने हैं, एक्स ए बी सी डी पैटर्न हो गया, ए बी सी डी पैटर्न हो गया, ट्रायंगल हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, इम्पल्स वेव हो गया, तो ये सारे पैटर्न्स आप चार्ट के ऊपर लगा सकते हो। काफ़ी अच्छा टूल यहाँ पे दिया गया है, तो इस टूल की मदद से आप चार्ट एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया कि सेव कर सकते हो आपका जो एनालिसिस है, दोस्तों को भेज सकते हो, तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ये जो चार्ट सेटिंग है आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो चार्ट सेटिंग है ये ट्रेडिंग व्यू की मदद से आप कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ये, यहाँ पे चार्ट आईक्यू का चार्ट नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का एक ही चार्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो इसकी मदद से आप सारी एनालिसिस कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आपको चार्ट किस तरीके से देखना है, चार्ट की सेटिंग किस तरीके से करनी है ये पता चल गया होगा एंजल वन की एप्लीकेशन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।